अरे मम्मी का फोन, चल तू मेरे साथ। मम्मी चल। टप्पू तुसी जा रहे हो? टप्पू को कोई ले जा सकता है? नहीं, टप्पू को ले जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कल फिर डोंगेगी क्या? हाँ देखो, जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक सोसाइटी का ध्यान रखना, और कोई इमरजेंसी हो तो बिंदास फोन कर देना। प्रॉब्लम वाली अंदर में, चल चल। पापा आपको पता नहीं आप क्या करने जा रहे हो, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अबे कीमत वाली अंदर बैठ रहे, चल चलो भैया दुकान पे ले लो। पापा अपनी दुकान क्या कुतुब मीनार है? नहीं क्यों? एड्रेस तो बताइए। मजा आ गया, ओए चला गया ये तो। ओए 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 गणपति बाप्पा मोरिया। ये आपने ठीक नहीं किया पापा। चुप बैठ, मैं तेरा बापू, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा। अच्छा हाँ। जैसा आप कहोगे वही होगा। बच्चे को किडनैप करके ले जा रहे हो? किडनैप नहीं नहीं, ये तो मेरा बेटा है। तो फिर ये बचाओ बचाओ क्यों चिल्ला रहा था? बचाओ बचाओ वो तो वो प्रैक्टिस कर रहा था, कभी भविष्य में वो किडनैप हो गया तो उसके लिए। बहुत होशियार है मेरा बेटा, टप्पू नाम है इसका। आज छुट्टी है ना, मैंने सोचा चलो शॉपिंग मॉल में ले जाता हूँ, थोड़ा चॉकलेट बहुत पसंद है तो दिलवा देता हूँ। पापा जीन टी शर्ट बूट गॉगल्स वो सब भी दिलाओगे ना? वो सब भी। बैठो बैठो बैठो। अरे पर पापा मॉल तो सामने ही है, क्या काम कर सकते? चलो चलो चलो। रिक्शा का पैसा तो देने दे। रिक्शा वाला फोकर में थोड़ी इधर छोड़ देगा। चलो पैसा चलो। क्या दिखाऊं? मुझे तो अच्छा सा लेटेस्ट मोबाइल दिखाइए। मोबाइल ठीक, एक बढ़िया पीस मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या क्या फंक्शन है इसमें? फंक्शन तो एक ही बात बोलूंगा मैं आपको, कंप्यूटर में जितने फंक्शन होते हैं उससे ज्यादा इसमें है। नहीं मतलब नए कौन से फंक्शन है इसमें? कंप्यूटर तो आप वापर रही है ना जी, तो वो फंक्शन आपको बताइए, उससे ज्यादा दो तीन और है इसमें, ये बोल रहा हूँ मैं। क्या प्राइस क्या है इसकी? प्राइस मैडम देखिए, आप दूसरी दुकान में जाएंगे ना यही पीस आपको 10,000 में मिलेगा, लेकिन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में आज स्पेशल प्राइस है इसका 7,500 होगी। मैडम इतना सोचिए मत, ये बेस्ट पीस है, गर्मा गर्म बच्चे की तरह बिकता है ये आखिरी पीस बचा है मेरे पास। हाँ अभी देखिए कल आप आएंगे ना, ये सेम पीस मैं आपको 10,000 में बेचूंगा। अच्छा दे दो बिल बने। मैं बॉक्स में डाल के दे देता हूँ। नटू भाई ये मोबाइल को पैक कर दो और बिल बना दो। देखा ए? मुझे कुछ कहा? नटू भाई ये मोबाइल पैक करो और बिल बनाओ। हाँ हाँ मोबाइल पैक करके बिल बनाने का ना, कर देता हूँ। देखा कैसे 5 मिनट में हैंडल किया कस्टमर को। मैं हैंडल करूँ? हाँ करो, बात करो थोड़ा। आंटी आपने जो मोबाइल लिया ना उसके लिए एक हेलमेट भी खरीद लीजिएगा। क्यों? आप ही सोचिए इतने सस्ते में क्यों दे रहे हैं। आंटी ये मोबाइल बात करते करते कभी भी फट सकता है। क्या? अरे मेरा बेटा है, इसको मजाक करने की बहुत आदत है। टपो ऐसे मजाक नहीं करते कस्टमर के साथ में। नटो भाई जल्दी पैक करो, कितना टाइम लगता है?
हमारे साथ आ जाए मैडम, कैश देंगे क्रेडिट कार्ड? एक मिनट पापा, कस्टमर के साथ कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए बेटा। मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ कस्टमर के साथ, तुम झूठ बोल रहे हो। चुप रहिए आप, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं हमें। थैंक यू बेटा, तुमने तो आज मुझे नई जिंदगी दे दी। झूठ तो आप बोलते हैं। नहीं, बात मोबाइल है, मुझे नहीं चाहिए आपका फोन। अरे आप झूठ बोलते हैं, कस्टमर को फंसाते हैं। अरे जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं आपको। मैडम मेरी बात सुनिए, देखिए, अरे क्या किया टप्पू तुमने? तू क्या चाहता है, ये धंधा मैं बंद कर दूं? दया भाभी, दया भाभी कहाँ हैं आप? भाभी वो चाबी यहाँ देकर गए हैं। ओह ओह, थैंक यू भाभी। क्या बात है, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? अब क्या बताऊँ अंजलि जी, सोसाइटी वालों की बात सुनकर वो टप्पू को अपने साथ दुकान पर ले गए हैं, इसलिए मुझे टप्पू की बहुत चिंता हो रही है। ओहो भाभी, इसमें चिंता करने की क्या बात है, आपको चिंता ही करनी है तो जेठा भाई की कीजिए, क्योंकि वो टप्पू को लेकर दुकान पर गए हैं। अरे पर अंजलि जी, वो तो बच्चा है, मींस के ना समझे, पर वो तो बड़े हैं ना। पता नहीं मेरा टप्पू किस साल में होगा। हे भगवान, उसने खाना खाया होगा कि नहीं, सोसाइटी में खेलते हुए तो 10 बार खाना खाता है। मैं उसके लिए खाना बनाकर दुकान पर ले जाऊं, ये ठीक रहेगा ना? हाँ ठीक रहेगा। पापा, अगर दुकान का सारा माल चोरी हो जाए तो आपको कितना नुकसान हो सकता है? क्यों ऐसा क्यों पूछ रहा है, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए। अरे नुकसान ही में क्यों, जनरल नॉलेज बढ़ानी है तो चुपचाप है, डिस्टर्ब मत करके मेरी गिनती भुला रहा है तू। हेलो जेठालाल जी है? एक मिनट पापा, आपका फोन है। तुम पूछना कौन है, कौन बोल रहा है? मैं लालजी बोल रहा हूँ, जरा जेठालाल को दीजिए ना, अर्जेंट काम है। एक मिनट पापा, उनको अर्जेंट बात करनी है। तू मुझे ये गिनती पूरी करने देगा कि नहीं? मेहरबानी करके थोड़ी देर मुझे डिस्टर्ब मत कर। डिस्टर्ब करने को मना किया है? अरे भाई, मुझे उनको 50,000 रुपए देना है और आज मैं भार्गव जा रहा हूँ। हमें पैसे की कोई जल्दी नहीं है, आपको भार्गव जाना है ना, अब जाइए ना। क्या तेरे पापा को क्या पूछना? कौन था वो? लालजी भाई करके कोई आपका दोस्त था। हाँ, क्या कहा? यही के कुछ 50,000 देने हैं। आ रहे देने के लिए? नहीं, मैंने उसे ना बोल दिया। ओ ओ। क्यों? आपने तो कहा था मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो तू, मैं तेरा क्या करूं? मारू मारू मारू। नहीं, रुक जाइए। आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा था कि आप टप्पू को दुकान पर काम के लिए ले जा रहे हैं और आप यहाँ इसे मार रहे हैं? उसे मार की नहीं, खाना खाने की जरूरत है। देखो तेरा बेटा कितना पतला हो गया। अरे इसको दुकान में आए हुए सिर्फ 3 घंटे हुए हैं गया, 3 घंटे में कोई पतला नहीं होता है। एक माँ की नजर से देखो तब आपको पता चलेगा कि कौन कितना पतला हुआ है। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम दुकान में क्यों आई हो? मेरी बेटी के लिए खाना लेकर आई हूँ। टप्पू, मेरे हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊंगी, चल बैठ जा। अरे ये क्या कर रही हो दया तुम? आपको तो पता है टप्पू को टीवी देखते देखते खाने की आदत है, तो इसीलिए तुम्हारे दिमाग में अक्कल है? ये दुकान है, अब कोई कस्टमर आएगा तो कैसा लगेगा? उठ, वो गोडाउन में जाके खिला उसको। ये माँ बेटे, वो लालजी भाई को फोन करना पड़ेगा, इससे पहले वो बाहर काम चले जाए। हाँ लालजी भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। मालूम है वो मेरा बेटा थोड़ा मस्ती करता है। नहीं नहीं, अभी आप तकलीफ मत लो, मैं आता हूँ और आपसे पैसा लेके जाता हूँ। चॉकलेट। तेरी पसंद की सब्जी बनाई है, देख सब खा लेना। हाँ माँ, आप टप्पू का कितना ख्याल रखती हो।
अरे तू तो मुंजो लाडलो है, अपने कन्हैया का ख्याल नहीं रखूंगी मैं। माँ मैंने एक सच सुना था। क्या? यही के भगवान हर जगह टाइम नहीं देता, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया। अरे मेरा टप्पू, मेरा बेटा, मेरा कानूड़ा, अपनी माँ की कितनी कदर करता है तू। मगर पापा आपकी कदर नहीं करते, वो हमेशा आपको डांटते और रुलाते रहते हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं माँ, टप्पू की माँ को कोई रुलाए तो टप्पू देख नहीं सकता। अब टप्पू बदला लेगा। बदला? हाँ बदला।